हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं कराची के सदर एरिया में और हम लोग कहीं जा रहे हैं। टाइटल से वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे, जी हाँ, मराठी कम्युनिटी से रिलेटेड फाइनली वीडियो बनाने जा रहे हैं। और हमने कहा यार, किसी के घर जैसे जाते हैं तो भाई मिठाई तो ज़रूरी है, तो स्वीट्स वगैरह वैसे भी हम लेते हैं, लेकिन वीडियो में एक आध बार हम नहीं दिखाए, लेकिन अब कंटिन्यूटी रखेंगे और हम रेगुलरली जो है कम्युनिटीज़ के जिसके भी घर पर हम जाएँगे, केक वगैरह, मिठाई, कुछ स्वीट्स वगैरह लेके जाएंगे। और पीछे जो है एक स्वीट की शॉप है, फिदा अली स्वीट्स है। और ये जो है किसकी है महेश भाई, बताएं थोड़ा? ये बोरी कम्युनिटी जो होती है उनके हैं, उनसे मतलब बिलोंग करते हैं पर्सन उनकी है। और काफ़ी मिठाइयाँ अच्छी अच्छी यहाँ मिलती हैं, महेश भाई खा चुके हैं यहाँ से। दिवाली हो या कोई हिंदू फेस्टिवल हो ना, तो तकरीबन हिंदू कम्युनिटी यहाँ से ही परचेज होगा। अच्छा, नहीं वैसे तो कराची बहुत बड़ा है, लोग करते हैं यहाँ पे इनकी मिठाई, आसपास जो रहने वाले लोग हैं मतलब उसमें ये काफ़ी फेमस है। तो अंदर चलते हैं, मिठाई लेते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू करते हैं जो है मराठी वीडियो जो मेन है। हो सकता है कि दो पार्ट बन जाए, हो सकता है एक ये पार्ट हो, वो फैमिली से मिलें थोड़ा, फिर उसको दूसरे पार्ट में, क्योंकि हम चाह रहे हैं लॉन्गेस्ट वीडियो बने, क्योंकि इतने टाइम से आप लोगों को वेट करा है, लेकिन हम पूरी कोशिश थी। चलें बस चलते हैं उसमें बेकरी में। ये केड़ी से है भाई? पेड़ा अच्छा है, पेड़ा थोड़े पड़ते थे। हम लोग आ चुके हैं ऊपर, बिल्डिंग में आ चुके हैं और हमारे साथ जो है इस वक्त, आ जाएं भाई, हमारे साथ है विशाल भाई। विशाल भाई ज़रा तारुफ करा दो अपना जो देखने वाले। जी, मेरा नाम विशाल राजपूत है और हम लोग एक सोशल वर्क काम करते हैं। और समीर भाई काफ़ी दिनों से हमें बोल रहे थे कि हमें महाराष्ट्रीयन कम्युनिटी को हमें बताएं, तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी थोड़ा समय गुजरने दो कोविड-19 का और गणपति का एक समय आने दो, तो फिर आपको सरप्राइज भी देंगे। तो अभी ये मौका आ गया, हमारे भाई नाराज हो रहे थे, तो इनकी नाराजगी दूर करने के लिए नाराज किसी से नहीं, नाराज नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर गुस्सा हो रहे थे कि तमिलियन दिखा दिए, काठियावाड़ी सब दिखा रहे हो, हमसे क्या मतलब, बस नाराजगी दुश्मनी है क्या? अगर वीडियो देखें, अपने रिव्यूज दें और हमारे भी जो है ना यूट्यूब को हमारे नाम से है वो भी देखें, हम उसमें बहुत महाराष्ट्रियन वीडियो और फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं फेस्टिवल के हवाले से। और महेश भाई जो है खामोशी से ये इशारा दे रहे हैं कि सब बातें यहीं करनी के ऊपर भी चले 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 ऊपर चल। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, राजेश कृष्ण नाईक दाजी आई, ब्रदर इन लॉ आई, तो इनके जरिए हम लोग मासी का घर आई, तो अभी आपको जो है ना यहाँ पे हम सब चीज़ दिखाएंगे। थोड़ी थोड़ी मराठी ये थी, हमला बात कर रहे थोड़ी मुश्किल है मराठी। हम लोग घर में आ चुके हैं, मेरे साथ इस वक्त राजेश भाई बैठे हुए हैं। राजेश भाई कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ भगवान की दया, आप सुनाई कैसे? सुना, शुक्र है। और मराठी में अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे, तो कैसे क्या बोलेंगे मराठी में? कैसा है जवाब क्या होगा? कैसा है तुम्हें, तो आप मुझे बोलेंगे बराई में, बराई। अच्छा जी, तुझा नाव काय रे, इस तरह बोलते ना मेरे ख्याल, तुझा तुमचा का नाव काय रे, माजा नाव, इस तरह बोले? माजा नाव राजेश नाईक है, माजा बापाचा नाव कृष्णा नारायण नाईक। और आप जॉब क्या करते हो? मैं शेल पाकिस्तान में हूँ, मैनेजर हूँ। अच्छा, शेल के पेट्रोल पंप में मैनेजर हूँ। महेश भाई बंदा मिल गया है जिसकी इजाज़त है, ऐसे बंदे की तो हमें बहुत सी तलाश थी, क्योंकि अभी इनको पकड़े या मारे या क्या करे वीडियो भाई, ये वीडियो हम ये गवर्नमेंट जो बोलेगी हम वही करेंगे, ये वीडियो हम बाद में बनाते हैं, पहले हम इनसे हिसाब लें, क्योंकि यार रोज पेट्रोल डलवा के थक गए हैं भाई, थोड़ा दया करो, थोड़ा रहम करो। मैं तो खुद वहाँ जॉब करता हूँ, उसमें कोई वो इशू नहीं है, जो गवर्नमेंट के रेट होंगे हम तो उसी पे देंगे। तो मजाक कर, देखो यार राजेश भाई थोड़े से नर्वस थे, विशाल भाई ने बोला यार थोड़े से नर्वस, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना, ये वो होता है यार, बिल्कुल होता है भाई। एक बात मैं आपको कहूँ, थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा, पहले हम घर जाते हैं मंदिर, उसके बाद चाय पी के जब निकलते हैं पहला मुंह हम पेट्रोल पंप वालों का ही देखते हैं, क्योंकि मजबूरी हमारी ये हो रही है। अभी भी देख के आए, अभी
तो इस वजह बहरहाल हमने यार थोड़ी मजाक भी साथ साथ होते रहे, तो थोड़ा राजेश भाई को भी अच्छा लगा क्योंकि यार फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना है थोड़ा मुश्किल होती है। और बताया लाइफ कैसी चल रही है? बस सही, मस्त। हाँ बिल्कुल सही। मैरिड हैं आप? जी जी। अच्छा, कितने बच्चे वगैरह? कितने नहीं, अभी बच्चे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, रिसेंटली शादी हुई है? अच्छा सही है। और क्या नाम है? इसके अलावा थोड़ा सा मराठी कम्युनिटी के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो कोंकणी मराठी, मतलब आप लोग? कोंकणी मराठी हूँ, मुंबई से ताल्लुक रखता हूँ। मुंबई से ताल्लुक? जी जी। अच्छा, मेरे पिता श्री मुंबई में उल्लासनगर, वहाँ पे उनकी रिहाइश थी। अच्छा जी जी। नायक है मतलब आप लोग? जी जी, नायक। नायक फैमिली है, ठीक है। तो और ये है कि विशाल भाई भी बैठे हैं, थोड़ा सा फिर इनको मैं कहूँगा कि आपस में भी थोड़ी कन्वर्सेशन मराठी में कर लें, क्योंकि आप लोग बेसिकली हमें आपको इस फैमिली से मिलाना था। अब इनको मराठी कितनी आती नहीं आती वो आप खुद देख लीजिएगा। मतलब एक लोग अक्सर जज करते कि यार ये इनको तो इतनी नहीं आती, या आती या नहीं। जाहिर है कि एनवायरनमेंट है। अब हमारे भी जो है, हम जैसे सिंधी है तो उसमें थोड़ा उर्दू के वर्ड्स भी होते हैं, इंग्लिश के वर्ड हम ज़्यादा, अभी जैसे वर्ड ही बोल रहा हूँ वो भी इंग्लिश का वर्ड मतलब हुआ, तो इस तरह भी होता है। तो बहरहाल ये है कि मेन चीज़ है कि हम जो है आपको फैमिली से मिलाना था। और महेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो आपको मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में एक फेस्टिवल आ रहा है जिसको गणपति जी का फेस्टिवल भी कहते हैं, और उसको हम अपने पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो अभी जैसे मैं इस घर में एंटर हुआ ना तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला, वो सरप्राइज़ आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे चलो मराठी तो दिखाने ही दिखाने थे, पर ये सरप्राइज़ आप देख लें कि इन फैमिली का खुद का क्यों है, वो भी देखते हैं। और उसके अलावा जो है विशाल भाई जैसे बैठे हैं, और विशाल आप लोग बोलते थे यार राजपूत हैं पाकिस्तान में, हिंदू राजपूत, तो भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। और क्या नाम है, तलवार वगैरह किधर है विशाल? घोड़सवारी आती है? बिल्कुल वो करते हैं। आप लोगों ने अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता या दो चार दिन पहले हुए समुंदर पे गए थे, घुड़सवारी महेश भाई को गिराए थे ना महेश भाई? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिल्ली तक जाएगी? दिल्ली तक नहीं, अभी कराची तक ही है। जी जी। कुछ ऐसे ही नॉर्मल इनसे सवाल कर ले आप जनरली। तो देखने वाले लोगों को मैं नमस्कार सलाम अलैकुम करता हूँ, और घर में तो एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा हम स्पेशली हमें जो दिखाना था मराठी कम्युनिटी, और ये एक सरप्राइज़ है वो भी आपको दिखाना था। काफ़ी दिनों से महेश भाई और समीर भाई मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि प्लीज़ आप थोड़ा COVID-19 की जो सूरत हाल है वो थोड़ा नॉर्मल होने दें, उसके बाद जो है ना कॉन्टेक्ट करेंगे। और अभी समय भी आ गया, सरावन सारे त्यौहार भी शुरू हो गए, तो उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट किया, तो हमने यही कहा था समीर भाई आप नाराज़ नहीं होना। तो मेरे सामने मजा दाजी आई राजेश कृष्णा नाईक, त्यांच्या कुटुंब कृष्णा नाईक गणपती जी शुरुआत इथं कराची मध्ये शुरू केलेली आहे। तो इथं हम लोग सगळा त्यौहार इथं धूमधाम से मनातो आहे। गणपती जे बारे में आजकल पावसचा टाइम आहे, पावस ज्या सीजन आहे, तो राजेश भाई तुम्ही काही बोलो, देखने वाला जी व्यूअर्स ना काही बताओ, काही मराठी जी काही कन्वर्सेशन काही तुम्हें काही? हाँ जी, शुरू से हमारे यहाँ पर गणपति बनता है, जो मेरे पिताश्री बनाते थे, फिर उसके बाद मेरे भाई ने बनाना शुरू करा, और अब वो रीत चलते हुए आ रही है शुरू से। यहाँ पर मतलब कि पूरी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो गणपति बनाने वाले थे वो मेरे पिताश्री थे, फिर उसके बाद जो है मेरे भाई ने बनाना शुरू करा, फिर मैंने बनाना शुरू करा, फिर उसके बाद देखते देखते ऐसे ऐसे हर घर से गणपति फिर निकलने लग गए और बनने लग गए, उनका फेस्टिवल मनाया गया। तो अच्छा, कराची में भी 25-30 वर्ष पहले राजेश भाई जो मोटे भाऊ होते शानू, हम लोग प्यार से शानू बोलते थे, तेंचा नाव सुनील कृष्णा नाईक, मतलब राजेश भाई कुछ बताएंगे उनके बारे में कि वो इनके मुँह से सुनते हैं, राजेश कृष्णा नाईक जो सुनील भाई के बारे में बताएंगे शानू भाई के, वो गणपति के हवाले से बहुत मशहूर थे। मेरा भाई सुनील था, वो भी गणपति बनाता था, लेकिन वो बड़ा, वो मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त गणपति बनाता था, और मैंने तो शायद बहुत छोटा बनाया, वो जो बनाता था बहुत बड़ा बनाता था, शानदार। स्वामीनारायण मंदिर में भी वो गणपति बना के देते थे, और उनकी मेरे पास काफ़ी तस्वीरें वगैरह पड़ी, उनको अवार्ड भी मिले उसके ऊपर स्वामीनारायण मंदिर वाले। हाँ, मुझे भी अवार्ड मिला है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपकी बहुत अच्छी मेहनत है, तुम्हें अतः आई कहते हो कि
मराठी कल्चर ने मराठी गणपति नायक फैमिली कराची मधी शुरू के लिए अजंत भी कराची मधी चालू आई ने पूरे पाकिस्तान मधी लई धूम धामला गणपति जो उत्सव मनाते है। तो राजेश भाई कहीं गणपति के बारे में कहीं तुम्हें कहीं बोलो कहीं मराठी में कहीं तुम्हें बोलो मराठी। मैं गणपति बनाता हूँ, मैंने आज बनाया गणपति, थोड़ी देर के बाद आपको वो गणपति भी दिखाई देंगे समीर भाई हमारे। अच्छा राजेश भाई थोड़ा सा मराठी में भी आप बताएं, देखो देखने वाले आप बोलेंगे मैं ही बोल रहा हूँ सब कुछ, या बोले विशाल ही बोले आप शर्मा रहे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा मराठी में भी कुछ बात बात आप। फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के आगे आ रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ ये बात है। तो आपको भाई अभी असल में राजेश भाई कंफ्यूज नहीं है, सीधी बात बताएं ना, अभी वो जिस सेवा कर रहे थे ना उस सेवा से उठाया है हमने उसको, तो इस वजह से वो दूसरी बात कोई नहीं है, कंफ्यूज है या नहीं है वो बात नहीं करे। तो ये गणपति जी मूर्त जी सेवा करते हैं मुझे राजेश भाई, और मैं काय बोलूं भाई काय तो तुम्ही बोलो स्पेशली कुछ हो। हाँ राज भाई तुम्ही काय अच्छा मराठी क्या पसंद है आपको थोड़ा मराठी में बताओ। गणपति का त्यौहार आते ही गणपति जी काय बनाते गणपति जी मोद गणपति जी मोदक चांगला लगतो मला। अच्छा हाँ गणपति जी मोदक लई चांगले बस, और त्यौहार भी चांगला लगतो, त्यौहार ऐसा मस्त होता है, मैं बहुत धूमधाम से मनाता हूँ, मतलब कि ये मैं इस तरह से मनाता हूँ कि जैसे लोग दिवाली मनाते हैं ना तो आप समझेंगे ये मेरे लिए एक त्यौहार है। इस त्यौहार में हमारे घर में सब नए नए कपड़े खरीदते हैं, और हमारी जो घर की लेडीज़ हैं वो भी नई नई साड़ियाँ खरीदती है। भाई ईद हो दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, क्योंकि गणपति का फेस्टिवल भी एक बहरहाल फेस्टिवल का नाम दिया है तो हम उसको धूमधाम से ही मनाएंगे ना। तो ये जो अभी जिस फैमिली के पास आए हैं ना वो फैमिली पूरी जो है ना गणपति की दीवानी भी है और गणपति से प्यार करने वाले। राजेश भाई कन्फ्यूज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं अभी राजेश भाई से यही बोलूँगा, आप उर्दू में भी बोल रहा हूँ मराठी भी बोल रहा हूँ, देखो मैं टूटी फूटी बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ जो मुझे आती है बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि गणपति के हवाले से आप लोग मराठी में, जैसे हम लोग सब लोग ही मिलकर ही मनाते हैं तो मराठी आरती या मराठी में कुछ बोलते हैं तो वो प्लीज़ आप थोड़ा बोलें। मराठी आरती होती है हमारी, वो हम बोलते हैं सुख धरता दुख हरता वाता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठचे धुराची कंटे झलके माल मुक्ता पाणाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मातर माना कामना पूर्ति जय देव जय देव। हाँ मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन मराठी मराठी आरती आती है मुझे पूरी। माइक के सामने अच्छा एक बात और मैं कहूँगा, गणपति ले जाते हुए हम लोग ऐसे बहुत वर्ड्स बोलते हैं और विसर्जन को भी करते हुए बोलते हैं, वो मुझे तो मालूम है लेकिन मैं बोलूँगा आपके मुख से सुनना है मुझे, तो वो आप बोलें और देखने वाले लोगों को बताएं कि क्या बोलते हैं और विसर्जन करते समय क्या बोलते हैं प्लीज़ आप। गणपति बाप्पा मोरिया पुरजावर्ची लौकरिया एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, ऐसे बहुत लंबा है ये लेकिन शॉर्ट करने में बताओ। तो बापा का त्यौहार आते ही एक छः दिन के बाद है मेरे ख्याल से, सैटरडे को है, सैटरडे 22 अगस्त को है, और दूसरे दिन विसर्जन या दो दिन का होता है, ज़्यादातर दो दिन का होता है, वैसे एक हफ्ते लोग जाते हैं विसर्जन वगैरह करने। तो अभी हम आपको एक सरप्राइज़ है वो भी दिखाएंगे और थोड़ा उनके बारे में ही बताएं, उसके वीडियो गणपति के बारे में हमने समीर भाई से कहा है कि उसमें भी आप आएँ और वो लाजमी कवर करें गणेश गणपति फेस्टिवल की भी वीडियो और गणेश विसर्जन की भी आप करें। प्रसाद में क्या क्या बनता है हमें तो प्रसाद से भी, हाँ गणपति की प्रसाद जी है काएँ गरम आदि का बनाते हैं प्रसाद, हम लोग बनाते हैं पूरी हलवा होती है मोदक होता है और अपना दाल चावल भात पापड़ अचार ये सारे जो होते हैं वेजिटेबल। मुँह में पानी आ गया, मुँह में पानी आ गया अभी थोड़ा छोड़े 22 तारीख को खाएंगे भाई। नमक पारा कैसे है? नहीं है अच्छा। तो फिर मैं भी भाई आपको मानना है कि महेश भाई सारे खाना जाए तो फिर आपको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो, अभी भाई बहुत पड़ी है और कुछ चीज़ें और भी आपको दिखाएंगे, एक सरप्राइज भी आपको इसमें दिखाएंगे ठीक है ना। और अब तो भाई खुश हो ना कि भाई मराठी फैमिली के लिए आप लोग कब से कह रहे थे महाराष्ट्रियन फैमिली, फाइनली आपकी विश हमने पूरी कर दी है, तो अभी वीडियो में बहुत कुछ आपको नज़र आएगा, जाएगा नहीं
ये नमक पा रहे हैं और ये हम तो चिप्स बोलते हैं, अब इसको क्या बोला जाता है, शक्कर पाड़े, मीठे शक्कर पाड़े हैं जो है विशाल भाई बता रहे हैं। ये नमकीन चिप्स है और ये नमकीन चने हैं, ये नमकीन चने हैं, ये फंटा कोल्ड ड्रिंक है, ये तो आपके पास होगी, और ये विशाल भाई हैं और ये महेश भाई हैं। और एक सरप्राइज है, जो बताएं गणपति के हवाले से घर में क्या क्या तैयारी होती है, क्या बनाते हैं, थोड़ा सा आप गणपति के हवाले से बताएं। हम लोग गणेश को तैयार करते हैं, इसको सजाते हैं, हार फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, हलवा पूरी मोदक बनाते हैं, ये बनाते हैं, कानोले बनाते हैं, दाल जो कुछ घर में बनता है, दाल सब्जी ये सब बना के हम चढ़ाते हैं प्रसाद की तौर पे, और उसकी पूजा करते हैं, फिर आरती वारती होती है, फिर उसे ले जाते हैं पूजा वूजा करके। मराठी में बोले गणपति जब करते हैं तो गणपति को ले जाते समय क्या बोलते हैं और विसर्जन करते समय क्या बोलते हैं, थोड़ा मराठी में बोले आप। तो तू ऐसा पूछने वाला का ही बोलूँगी। गणपति बाप्पा मोरिया पुरते वर्षी लोकरिया। आंटी भी थोड़ा शर्मा रही थी इसलिए, लेकिन फिर भी विशाल भाई ने ज़बरदस्त कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे। बाकी हाँ तो मौसी जी से जो बाकी है कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे गणपति का जो है फेस्टिवल जब होगा, काफ़ी लोग होंगे तब, तो फिर ये कि उम्मीद है कि फिर सही से बात बात भी हो जाएगी और एक अलग ही माहौल होगा, तो उसमें ईजी रहेगा, है ना। बिल्कुल होगा गणपति का फेस्टिवल में, और उसके अंदर आपको बहुत एक वीडियो वगैरह बनाने में मिल जाएंगे और बहुत एक अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा और देखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो भाई ये रीज़न था इसीलिए डिले हुआ थोड़ा, हर कोई मतलब कैमरा फेस नहीं किया होता तो लोग थोड़ा सा शर्माते या एक थोड़ा वो होता है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक छोटा सामने बैठा, छोटा इधर आओ ज़रा, आप तो इधर आओ, तुम तो मेरे हाथ लगे हो अभी, इधर आओ। नाम क्या है? इधर तो आओ। क्या नाम है? जेविश नायक। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। याद है कि स्कूल याद है? 5 महीने से नहीं गए होगे हैं। याद है सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल। अच्छा सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल। आती है मराठी? आती है आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी तो सीखो ना, हैं थोड़ी बहुत तो सीखो। हाँ और पापा क्या करते हैं आपके? हवाई टावर में। अच्छा होटल फील्ड में क्या करते हैं? हवाई टावर शेफ हैं। अच्छा वाह भाई, मैं भी क्योंकि फ्रेंड्स होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड रहा हूँ होटल फील्ड में, तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे ये सुन के। हाँ हवारी टावर जो है 4 स्टार है, लेकिन क्लेम करते हैं उन लोग के 5 स्टार भी उसको कहा जाता है, और वो भी एक पारसी जो इसके ऑनर थे, अभी भी मेरे ख्याल वही ऑनर है ना महेश भाई पारसी, वो क्या नाम था उनका, डिंशा जो है, क्या नाम? डिंशा आवारी जो है इसके ऑनर हैं, वो पारसी हैं और स्टिल उसके ऑनर वही हैं। अच्छा थोड़ी सी मराठी में बात करेगा, नाम बताया? अच्छा हाँ बता। माजा नाव जयवीश नाई, माजा बापू नाव मुकेश नाई। असल में कैमरा के सामने वैसे अच्छे अच्छे होंगे भाई, हालत ख़राब हो जाती है। हाँ हाँ स्कूल भी की वजह से, लेकिन वैसे भी। और खेलते हो गेम वेम खेलते हो आप? कौन सी गेम खेलते हो? पबजी खेलते हो? कोई वैसे कोई गेम नहीं, सारे आजकल कंप्यूटर में बच्चे सब वही। पबजी बैन हो गया था तो दुख हुआ था? रोए थे क्या? रोए थे थोड़ा सा? थोड़े आंसू आए होंगे आंखों में? नहीं नहीं खाना नहीं खाया हुआ एक दिन? नहीं नहीं खाया था। हाँ। अच्छा तो रेगुलर खेलते हो? डेली रेगुलर खेल? डेली नहीं, एक दो दिन छोड़ के। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो? वीडियो आ रही है। वीडियो आ रही है, आ रहा है कुछ समझ आ रहा है? जी ऐसे ही होना चाहिए ना हमेशा, स्कूल जाना पहले ही समझ नहीं आया था, अभी आ रहा समझ। वैसे ये सही है ना, घर में बैठ के बस स्कूल जाना ही नहीं पड़े। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था यार, लेकिन ये क्या है विशाल भाई, लेकिन ये एक वबा देखे ना, COVID-19 पूरी दुनिया में फैली है, तो हमें एहतियात भी करना है, तो हम आपके वीडियो के तवज्जो से एक मैसेज देंगे तो लोगों को जो हमारे गणेश गणपति में भी आ रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं या विसर्जन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह सब चीज़ हो रही हैं, तो हम रिक्वेस्ट आपकी वीडियो से ये करेंगे कि मास्क का इस्तेमाल, अभी ये मास्क हमने नीचे किया हुआ है बात करने के ज़रिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बात हमने रखा हुआ है, तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें, और वहाँ पे भी हम लोग ने सबसे रिक्वेस्ट ये किया हुआ है। 90% बिल्कुल हाँ, लेकिन जो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि कवर किया जी। तो चले अभी हम आपको अभी दिखा रहे हैं वो सरप्राइज, जिसको देख के हम सरप्राइज हो गए थे। चले अभी हम सीधा राजेश भाई के पास जाए। राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? गणपति बना रहा हूँ महेश भाई। गणपति बना रहे हैं जी? ये गणपति तो आपने बता भी दिया कि भाई क्यों बनाते हैं, ये आपके फादर भी बनाते थे, ब्रदर भी बनाते थे, पर इस पर आपकी मेहनत मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी है, क्योंकि अभी तो
ये किस तरह बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं? ये मैंने बनाया चिकनी मिट्टी से, और शुद्ध गाय का गोबर होता है, गोबर और मिट्टी जो है मिक्स होती है, और गोबर से ये फ़ायदा होता है कि मजबूती पकड़ लगा। तो जो हमने देखा है तो वो तो प्लास्टिक पैरेस वगैरह होते हैं जैसे, तो आप चिकनी मिट्टी और गोबर से बना रहे हैं? जी जी, उसकी वजह ये है कि ये चिकनी मिट्टी जो होती है ना, ये पानी के अंदर जाके घुल जाती है। अच्छा, ठीक है ना। अगर मैं प्लास्टिक पैरेस से बनाऊँ तो वो जब हम समंदर में विसर्जन करते हैं तो उस वक्त जो है ना वो घुलता नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं नदी नालों में होता है, तो इससे जो होता है फिर तोहीन हो जाए। तो मैं आपसे एक और बात, ये आप अपने लिए बना रहे हैं या किसी के देने के लिए बना रहे हैं? ये हमारी श्री महाराष्ट्र पंचायत है, उसको उनको देने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, तो भाइयों ये अपने लिए, मतलब जो इनकी पंचायत बनी हुई है ना, तो ये अपने लिए बना रहे हैं, अपनी पंचायत के लिए। और ये 22 तारीख को यहाँ से क्लिफ्टन के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूरी रात पूजा पाठ चलेगी, फिर उसके बाद जो है हम नेटी एटी लेके जाएंगे इसको नेक्स्ट डे संडे के दिन। तो आपकी जो पूरी कम्युनिटी है वो सारी वहाँ, मतलब आपके साथ ही होगी। बहरहाल भाइयों, ये आपने देख भी लिया कि किस तरह ये राजेश भाई ये अपनी मतलब जो कम्युनिटी होती है पंचायत मराठी कम्युनिटी, ये उनको प्रेजेंट करेंगे और ये साथ मिलकर पहले इनकी पूजा करेंगे रत्नेश्वर महादेव मंदिर में। उसके नेक्स्ट दिन जो 4 बजे दोपहर में आरती होगी, उसके बाद ये जी जी वो अभी ये अनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इस पर बहुत सारा काम है, अभी बता देंगे। तो हाँ, ये अभी अनकम्प्लीट है, मतलब जी ये पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर है, और जिन्होंने ये एक शक्ति एक पहाड़ उठाया हुआ है। ये हमारे परमेश छोटे भाई हैं, और 3-4 साल पहले इनका देहांत हुआ था, 3-4 साल पहले देहांत हुआ था, परमेश भाई हैं ये। इनके पिताजी हैं सुरेश कृष्णा नाइक, और ये जो थोड़ी तस्वीर देख रहे हैं थोड़ी ख़राब है, हम आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर मैं समीर भाई को दे दूंगा। ये है सुनील कृष्णा नाइक, और समीर भाई ये हमारा मंदिर है, आए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। समीर भाई ये मेरी माता जी हैं, और ये मेरे पिताजी। अच्छा, और ये? और ये मेरे बड़े भाई है सुरेश नाइक। अच्छा, और ये किस पिताजी? और ये मेरे भाई सुनील है, सुनील नाइक, जो ये मुझसे पहले गणपति बनाया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और राजेश भाई थैंक यू सो मच, शुक्रिया जो है आपके पास हम आए, आपने जो टाइम दिया इतना, देखने वाले को लास्ट में क्या कहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर आए, आपने ये सब कुछ देखा, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके लिए लास्ट टाइम मैं बोलना चाहूँगा गणपति बापा मोरिया पूजा अच्छी लव करिया। और ये बताएं कि फेस्टिवल में बुला रहे हैं हम आप, आप हमें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और विशाल भाई थैंक यू जो है, आपका भी बहुत थैंक यू, महेश भाई का थैंक यू, जो आपकी देखें मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। महेश भाई नाराज़ तो नहीं है? देखो लोग, आप लोग बोल रहे थे कि लोग टाइम नहीं थे, तो आज वादा पूरा किया है। अभी आपको गणपति बापा खुद ही बुलाएंगे, उसमें भी आप कवर करें, महेश भाई के साथ आएँ। समीर भाई आपका भी थैंक यू, अभी गणेश फेस्टिवल में भी आए और विसर्जन में भी, वहाँ फेस्टिवल में आप आके कवर करें और लोगों को अच्छा पॉजिटिव ये चीज़ें। और आपके लिए भी रिक्वेस्ट आएगी कि भाई विशाल भाई के साथ भी जो वीडियो बनाओ हमारे राजपूत भाई के साथ, और उनकी लाइव भी दिखाओ, तो बहुत जल्द आपको वो भी दिखाएंगे। और हमारे महेश भाई एवरग्रीन, जय बजरंग बली, अच्छी लगे तभी कमेंट कीजिएगा, बुरी लगे तभी कमेंट कीजिएगा, लाजमी समीर के व्लॉग। तो भाई अब नाइक फैमिली तक हम पहुंच गए हैं, और कोशिश करेंगे और भी फैमिली से मिलाएं, और ज़्यादा मराठी जो है लैंग्वेज आपको सुनने को मिले। लोग हैं काफ़ी ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो है बोलते भी हैं प्रॉपर, गणपति पूरे कराची में सब मराठी लोग फैमिली मनाती हैं, और भी दूसरी जगह। आजकल की यूथ में हर जगह थोड़ा सा मसला है, और लेकिन तमाम कम्युनिटी मनाती है, सिर्फ स्पेशली मराठी कम्युनिटी शुरू किया हुआ है, लेकिन तमाम कम्युनिटी मनाती है। और दूसरे दिन जो अभी गणपति आ रहा है 22 अगस्त को सैटरडे वाले दिन, दूसरे दिन विसर्जन ज़्यादातर यहाँ लोग करते हैं, 1.5 दिन का होता है, और वैसे तो 6-7 दिन चलता रहता है विसर्जन, क्योंकि COVID-19 की वजह से भी थोड़ी सिचुएशन को देखते हुए वो भी कर रहे हैं। ठीक, सही है। तो फ्रेंड्स
अच्छी लगी होगी वीडियो ज़रूर आपको, और आपके लिए भाई हमने कोशिश की और कोशिश करेंगे और मराठी कम्युनिटी पे और वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे। लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा आप लोग का दिल का जो है वो हल्का हो गया होगा, बोझ या जो है आप लोग को इंतज़ार था, बाकी अभी शुरुआत है और भी वीडियोज़ बहुत सारी आएंगी। ठीक है ना राजेश भाई, बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार। सभी भाई पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। बिल्कुल आपकी घबराहट हम और ख़त्म करेंगे। हम जो है केन लेके आते हैं बड़ा साहब से, पेट्रोल हम ले पेट्रोल लेंगे महेश भाई। ठीक है, चार बाइक है, चार बाइकों का तो ले लें कम से कम, तो पेट्रोल हम इनसे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं पेट्रोल लेने और आप जो है हमारी दूसरी वीडियो देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और छोटे इधर आओ एक मिनट, तो हमारी बात नहीं सुनो तो छोटे की बात सुन लेना भाई, सबको बोल दो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक कर लेना। ओके ओके, वीडियोस को ठीक है, थैंक यू। छोटा मराठी महाराष्ट्र नाइक, छोटा नाइक,